अभी बज रहा है रात के 8 और डिनर बनाना अभी स्टार्ट किया। गरम गरम बनाएंगे, गरम गरम खाएंगे। तो सोचा आज क्या बनाऊँ डिनर में, तो दोपहर को ही राजमा भिगो के रख दिया था मैंने। तो राजमा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। कियान के लिए राजमा चावल खा लेगा और हम राजमा के साथ रोटी खाएंगे। फिर कल दोपहर को थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, कल दोपहर को फिर मैं ज़्यादा हेवी नहीं बनाती कि राजमा छोले मैं कुछ भी बनाऊँ, अगर कोई भी डिश बनाती हूँ मैं उसमें बहुत ही कम ऑयल मसाले यूज़ करती हूँ, क्योंकि कियान के लिए इतनी गर्मी है, कियान के लिए सही नहीं होता कि ज़्यादा मसालेदार खाना, और इसलिए हम लाइट खाते हैं, सब कुछ खाते हैं पर लाइट थोड़ा कम ऑयल थोड़ा कम मसाले। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ही था, पूरा डाल दिया, एकदम जरा सा है, सही है। किसी भी सब्जी में मसाला जितना अच्छी तरह से भुना हुआ होगा सब्जी का टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा आता है, और खास करके जैसे चिकन हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गया, इनके मसाले अच्छी तरह से भुने हुए होंगे तो स्मेल भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो तब मसाला जब तक हंस तब तक हमें बातें कर लेते हैं हम लोग। तो और जिस 15 दिन हुए है कलकत्ता आए, सही है, जगह अच्छी है पर दिल्ली जैसा नहीं है। दिल्ली यहाँ से बहुत बहुत बेटर है, मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद बंगाली हूँ, एज ए बंगाली मुझे कलकत्ता ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए थी दिल्ली से, पर मुझे नहीं लगी। दिल्ली इज बेटर, केजरीवाल बहुत अच्छे से रखता है दिल्ली को। अब पॉलिटिशियन का नाम नहीं रहना चाहिए अपने ब्लॉग पर, मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे पता है मतलब दिल्ली में जाते, मुझे लगता है कि बंगाली से ज्यादा दिल्ली वाले ज्यादा दिल वाले होते हैं, ज्यादा उनको एक दूसरे से मिलना बातें करना वो ज्यादा दिल्ली वालों को, जैसे बोलते हैं ना दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं, सही है। यहाँ पे बंगाली जो है मतलब दे आर बिजी इन देयर लाइफ, दे हैव नो टाइम, बट इन दिल्ली देयर एवरी वन लव्स टू ईच अदर, स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम वहाँ रहते थे ना, वहाँ पे उड़ीसा वाले थे, पंजाबी थे, मतलब पूरे कॉलोनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल से भरे हुए थे और सारे मिलकर बहुत मस्ती होता था। और यहाँ पे मतलब आप सोचो हम 15 दिन आए हैं, एक पड़ोसी नहीं दिखा हम अच्छी तरह से, जैसे कोई जैसे नीचे एक दो मिले जैसे थोड़ी बहुत बातें हुआ, ऐसे जैसे लगेगा कि बिल्डिंग में कोई है ऐसा लगेगा। हम भी फ्लैट में ही रहते हैं, ज्यादा निकलते नहीं है, वो लोग भी नहीं निकलते, दो चार दिन से बातें होती है वो भी पार्क जाके। तो मिस दिल्ली वेरी मच, मेरा मसाला गल रहा है बातें करने में। अभी कलकत्ता में 15 दिन आए हैं तो कलकत्ता के बारे में तो उतना पता नहीं है, पर दिल्ली में मुझे सबसे अच्छा लगता था दिल्ली का मेट्रो, दिल्ली के लोग। सिर्फ सबसे खराब चीज एक ही है दिल्ली में, वो है पॉल्यूशन। अगर केजरीवाल पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेगा तो दिल्ली मस्त प्लेस है रहने के लिए। मसाले भूनना बहुत, मसाला मेरा भुन गया है,
थोड़ी और 2 मिनट में भुन जाएगा। फिर चावल का प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ी सी आटा ले लेती हूँ। मेरे राजमा और रोटी दोनों बन गए हैं, अभी टाइम है डिनर का, मैं कियान को खिला लूँ फिर हम खा ले और बाद में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है सैटरडे मॉर्निंग, छुट्टी है सबकी। वो पास्ता बन रहा है ब्रेकफास्ट में, और पास्ता बनना स्टार्ट करते हैं। पास्ता मैंने ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, प्याज को जल्दी कूटने के लिए मशीन में डाल दिया तो जल्दी कूट जाता है इसमें, और प्याज को सिर्फ प्याज ही डालूँगी मैं, और कुछ नहीं डालूँगी मैं सब्जियों में। प्याज को थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं, तब तक थोड़ा मसाले जैसे हल्दी, हल्दी थोड़ा सा, हल्का सा हल्दी और थोड़ा नमक और कुछ नहीं। अब जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मेयोनीज और सॉस, टमेटो केचप। और मेयोनीज और टमेटो केचप अच्छे से डाल दो आप, तो आपका पिज्ज़ा सॉरी पास्ता बहुत ही क्रीमी बनता है। अब देख सकते हो मेयोनीज और केचप की वजह से जो पास्ता का ग्रेवी है वो कितना क्रीमी और कितना टेस्टी लग रहा है, पूरा चीज़ी चीज़ी लग रहा है। Emma and George are very excited. They have never been to Rebecca Rabbit's house before. Daddy, are we nearly there? The map says Rebecca's house is on the next hill. मेरा पास्ता रेडी हो गया है, बस मसाले में अब पास्ता को पोर कर दो, बस पास्ता रेडी, अब पास्ता इंजॉय करते हैं। तो मानू रक्त दिखता था ना हमारो माता है छेलेटर माता हो
मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया है, नहीं लगाया लिपस्टिक। अमेज़न से मैंने फ़ोटो फ्रेम मंगवाया है, नेक्स्ट वीडियो में फ़ोटो लगा के दिखाएंगे आप लोगों को। और अभी के लिए बाय एवरीवन।